हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट नाइट साइनिंग ऑफ फ्रॉम ट्री लॉस्ट। अरे तो भाई शुरू किया है अभी, साइनिंग ऑफ क्यों बोल रहे हो? मैं यही चेक कर रहा था कि तू कितना अटेंटिव है आजकल, बहुत फोन में घुसा रहता है। क्या मसला है, बच्ची अच्छी बसा लिया? ओहो नहीं यार दोएब भाई, मैं आजकल जरा धीरे तुआ पड़ा हूँ इसलिए फोन में लगा रहता हूँ। बस अब तू चलना है दोएब भाई, जिंदगी का तू चलना है। अबे क्या करना है, अभी क्या करेगा, चिल कर, अभी बहुत टाइम है। इसीलिए आपकी कोई बच्ची नहीं है दोएब भाई। तो जानिस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि आज की जो वीडियो है वो शुरू इस मुद्दे पर ही है, तो आज जरा इस पे चर्चा करेंगे। अब भाई उन लड़कों की तो बात ही अलग है जिनको लड़कियां आगे से प्रपोज करती हैं, क्योंकि हमें तो हर दो दिन बाद कोई लड़की आगे बोलती है फोन कहाँ है मेरा। अब भाई हमारी लाइफ को जैसे चलिए कि अगर कहीं हमें गलती से किसी लड़की के साथ सीट मिल भी गई तो लड़की बोलेगी I want to change my seat, please. अबे ऐसा क्या है, मेरे सर पे दो सींग है, मेरे लंबे लंबे नाखून है, पीछे पूछ है, क्या मसला है बे? अब फर्ज करो कि कुछ लड़कों की लॉटरी लग भी जाए, उन्हें लड़की मिल भी जाए, तो भी भाई उनका मामला ज्यादा दिन नहीं चलता, क्योंकि भाई लड़की रिलेशनशिप में आते ही बोलेगी मेरे पास टाइम नहीं और तुम्हारे पास बचा नहीं है। यार देखो, लाइटली ले भी लिया बहुत, तो आज जिस मखसूस तबके की हम लोग माँ बहन एक करने वाले हैं वो है गर्लफ्रेंड। अब देखो यार, औरत जात जो है वो तुम लोग जरा लाइटली लो इस बात को, क्योंकि मैं औरत को डिग्रेड नहीं कर रहा, मैं इस टाइटल गर्लफ्रेंड को आज रोस्ट करूंगा। और अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो कि रोस्ट कर बॉयफ्रेंड को, रोस्ट कर, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। क्योंकि भाई हमारा सीन तो ऐसा है कि गर्लफ्रेंड कभी बनी नहीं और बॉयफ्रेंड कभी हम बन नहीं पाए। अब देखो यार, ये जो वीडियो है ये है ही 16 प्लस वालों के लिए। क्यों? क्योंकि बचपन में फौजी के कपड़े पहन के स्टेज पे प्ले करने से क्या तुम्हें फिर वो बॉर्डर पे भेज देते हैं जंग लड़ने के लिए? बिल्कुल वैसे ही ये खड़ा सच है। खड़ा नहीं दोएब भाई, खरा सच होता है खरा। हाँ वही तो, ये खरा सच है और तुम्हें मानना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 16 इयर्स की उम्र में आपको जॉब मिलेगी, आपको जॉब मिलेगी। दोएब भाई कैसी बातें कर रहे हो, बत्ते भी देख ले वीडियो। यार मैं कह रहा हूँ अभी जॉब के काबिल हुए हो, इंटरव्यू दो, थोड़ा इंटर्नशिप करो, फिर मिलेगी जॉब। मैं खुद बताऊंगा, मैं 4 इंटरव्यू में फेल हो चुका हूँ। अब क्वेश्चन ये आया कि भाई हमारी कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो भाई ने भी बोल दिया कि भाई जवानी निकली जा रही है, वेट नहीं हो रहा मेरे से। तुम बताओ भाइयों, कोई गलत बात की मैंने इसमें? बस यार क्या करें, नसीब की बात है, नसीब में होगी तो मिलेगी वरना हसीब को मिलेगी। यार अब इन बाबू सोना वालों को मैं क्या कहूं यार, समंदर के किनारे बैठे हैं, बस खारा पानी पीना शुरू कर देते हैं, पर क्या कर सकते हैं, प्यास ही ऐसी है। यार वैसे हमारा जो टॉपिक था वीडियो का गर्ल फ्रेंड, उससे हम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो गए। यार वैसे एक बात कहूं ना, लड़कियों की अकल जो होती है ना वो घुटनों में होती है। क्यों? वो लॉजिक देखो, अगर लड़कियां समझदार होती तो आपका भाई सिंगल होता। यार अब फर्ज करो कि आपकी गर्लफ्रेंड बन गई। अबे बहुत लड़के इधर उधर क्या देख रहे, माना के मुश्किल है लेकिन फर्ज करो बन गई। अब बेटा गिफ्ट सिर्फ बर्थडे को नहीं आएगा, मंडे को, क्योंकि वो हफ्ते का पहला दिन है, ट्यूसडे को, क्योंकि अभी अभी तो मंडे गुजरा है, वेडनेसडे को, क्योंकि अगला मंडे आने वाला है, थर्सडे को, क्योंकि थर्सडे में थरस है और तुम्हारे अंदर थरक है, फ्राइडे को, क्योंकि फ्राइडे वैसे ही एक गुड डे होता है, ग्रेट डे होता है, सैटरडे को कोई गिफ्ट नहीं होता, और संडे को इसलिए गिफ्ट होता है क्योंकि अब रहा नहीं जा रहा भाई मुझसे। अजीब तो चापे वाली जिंदगी है यार, जो रोज साबित करना पड़े वो भी कोई प्यार है। जा प्यार तो वो था जो हमने किया था। दोएब भाई कट द क्रैप, आगे वीडियो बनाओ, ये अपनी फजूल बातों तो थोड़ो। नहीं रुक, एक बात तो मैं तुम्हें सच्ची सच्ची बता दूं कि 16 साल का हर लड़का किसी ना किसी का आशिक होता है और 16 साल की हर लड़की किसी ना किसी की आशिकी होती है, तो मुझे तू एक बात बता, तुझे ऐसा कोई ख्याल नहीं आया? यार दोएब भाई क्या बताऊं, 10th ला तू इतनी तबीयत लड़ती थी, उसका नाम था दुआ, अल्लाह दे लो दुआ तत्ता था ते ये दुआ मुझे ही मिले, फिर पता चला ते उत्ता लिदवान दे था थोले लिट विद दे थप तत्ता चला था, तभी मैंने लदाया दाना, थुतला ते मेरा प्यार तू मेरा इंतताम दे थे दी, और थान लिया ते भाई इतना था तेतपुल होंगा ते हजारों दुआएं दुआ के मैं उन्हें ही मिलूं। ओफ भाई नहीं यार, वाह यार क्या मोटिवेशन है कसम से। लेकिन दोए भाई वो आयशा और आयशा जो है वो क्यूट तो बहुत है यार, लड़के तूचिए होते हैं और तूचिए ही रहेंगे बे, क्या करें यार, हमारे हार्मोन कभी हार ही नहीं मानते साले। यार जो भी कहो, ये गर्ल फ्रेंड बॉय फ्रेंड वाला जो रिश्ता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, गर्ल फ्रेंड हैप्पी, बॉय फ्रेंड सैड, बॉय फ्रेंड सैड, गर्ल फ्रेंड हैप्पी, हैप्पी सैड, सैड हैप्पी, हैप्पी सैड। अब गर्ल फ्रेंड होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपकी जो इंडिपेंडेंस है वो तो छुट्टियां मनाने गई मरी, इतनी सर्दी है रुक जाओ गर्मियों में चले जाना, अरे खाना खाया तो क्यों खाया, खाना नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया, उससे बात की, इससे बात की, ये कौन वो कौन मैं कौन तुम कौन, अबे तेरी सीआईडी ना बनो कभी, हमारे माँ बाप ने इतनी पूछताछ नहीं की, तुम होती कौन हो साला इतनी पूछताछ करने वाली।
नहीं क्या मैंने मैंने उधार लिया है तुमसे, किस बात का एटीट्यूड है? हाँ नहीं तो साला मसाला सारा यार अंडरस्टैंडिंग का है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ तो ये जो रिलेशनशिप में तुम लोग जा रहे हो ये रिलेशनशिप बन जाएगा और दोनों पार्टियां खुश रहेंगी। अब एक का कट रहा है और दूसरा काट रहा है तो इसमें दोनों खुश कैसे रह सकते हैं यार? दोनों ही ना काटो, दोनों ही ना कटवाओ, खुश रहो सारे। यार वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये जो दिल करे वो करो, ऐसा करो डाउनलोड करो, पेन ड्राइव में डालो, एक लिफाफे में डालो और अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट कर दो। दिस इज योर वाइफ साइनिंग ऑफ डी लॉस्ट। जो लड़कियां ये सोच रही हैं कि इसकी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो इसको लगेगा कि वी हैव क्रश ऑन हिम, खुदा की बंदी, इवन इफ यू आर कैटरीना कैफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अखी पिया के मिली तो चैन।